देखिए, जो भी पुलवामा में हुआ है वो दुखद है, और इसकी जितने शब्दों में भी भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए या अपना गुस्सा जाहिर किया जाए, वो बहुत ही कम है। 40 लोग जो मारे गए हैं, उनके परिवार वालों को मेरी तरफ से बहुत सारी श्रद्धांजलि। जो उनके ऊपर गुजर रही होगी, हम में से कोई भी उसको मतलब महसूस ही नहीं कर सकता। और जहाँ तक बात है बाकी लोगों के गुस्से की, पूरे देश के गुस्से की, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सरकार से ज़्यादा उस स्थिति में कोई नहीं है कि क्या निर्णय लिया जाए। इसलिए सरकार के ऊपर ये छोड़ दें, और सरकार का जो भी निर्णय होगा उसमें हम सब लोगों की भागीदारी होगी, उसमें हम लोगों का साथ होगा। सर, एक्ट फेस्ट के बारे में क्या? एक्ट फेस्ट एक बहुत ही बढ़िया कदम है जो कि सुशांत और हमारे साथियों ने लिया है एसोसिएशन की तरफ से, जहाँ पे के सारे अभिनेताओं को बुला करके न सिर्फ उनके अपने संघर्ष के बारे में जानना, उनकी यात्रा के बारे में जानना, बल्कि जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है, एक बहुत बड़ा लेसन है कि कोई भी मकाम बिना संघर्ष के हासिल नहीं होता है। कोई भी मकाम बिना दरिया से को पार किए हुए और आग से गुजरने के बिना वहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता। एक बढ़िया समय है जहाँ पे आप अपने लोगों को सुनें, उनसे सीखें, और आपस में एक वार्तालाप हो, आपस में एक संवाद का ज़रिया बने। ये एक आर्टिस्ट एसोसिएशन की तरफ से बहुत बड़ा कदम किया गया, और सुशांत, अमित बहल, इन सब लोगों के नेतृत्व में एक सिंटा को जिस तरफ लेके जाया जा रहा है वो बहुत ही रचनात्मक है और बहुत ही सकारात्मक है। मनोज जी, श्रीदेवी के निधन को एक वर्ष पूर्ण हो जाएगा, तो क्या यादें आपकी एक्ट्रेस के साथ, क्या कहना चाहेंगे? इट्स अ वेरी ये भी बहुत बड़ा लॉस रहा है इंडस्ट्री के। श्रीदेवी जी को बहुत सारी श्रद्धांजलि, देश हमेशा उनके योगदान को सराहेगा, याद करेगा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। थैंक यू। सर, पुलवामा में जो अटैक हुआ है, 40 सीआरपीएफ के जवान हमारे शहीद हुए हैं, पूरा देश गुस्से में है, हर कोई चाहता है कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए आतंकी हुए का। आप एज एन एक्टर होने के नाते क्या कहना चाहेंगे, एक नागरिक हैं देश का? मैं यही कहूँगा कि बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, और हम अपने लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग हमारी सुरक्षा के लिए वहाँ तैनात हैं उनके साथ अगर ये हादसा हो रहा है तो हम सचमुच बहुत बड़े संकट में हैं, और हमें सारे तरीक़ों से इस संघर्ष को कम करना होगा, मिटाना होगा। अब इसकी राय देने के लिए मैं तो एक्सपर्ट हूँ नहीं, लेकिन मैं तो यही चाहता हूँ कि हर तरह से बातचीत करके, संघर्ष करके हमें शांति का कोई मार्ग ढूंढना होगा। थैंक यू। हाँ जी, फर्स्ट टाइम एक्ट फेस्ट जो है आयोजन किया गया है, मेरी बात बताना चाहता क्या बता? अच्छा, फोटो तो ले लेंगे। हाँ, ओ अच्छा अच्छा, चलिए चलिए। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। हम तो अपने आप मतलब समझिए, मैं कुछ 25-30 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन आज भी ये ज़रूर होता है कि अपने कलीग्स के सामने, जिनके साथ मैं काम करता आया हूँ, उनके सामने हमें जज किया जाए या कुछ बताया जाए, तो हमेशा नए लोगों के लिए वर्कशॉप्स बहुत सारे होते रहते हैं, लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड एक्टर के लिए अब नए एवेन्यूज़ ढूंढने के लिए, नए कुछ तरीके ढूंढने के लिए कुछ भी होता नहीं है। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि सिंटा, जो हमारी अपनी बॉडी है, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है और इतना शानदार एक्ट फेस्ट किया है, उसका मैं उनका जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर, फोटो करो।